तो आज हम चल रहे हैं ईश्वरपुरी आत्मलिंगेश्वर मंदिर में। ये शंकर भगवान जी का बहुत ही विख्यात मंदिर वसई विरार के बीच में है। इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन कहा जाता है यहाँ पे जो भी चीज़ आप सच्चे दिल से मांगे वो ज़रूर पूरी होती है, और मैंने भी ये खुद एक्सपीरियंस किया है। तो चलते हैं। जब भी मैंने लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस किए हैं, मैं इनको विज़िट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, या कुछ भी अच्छी चीज़ों की शुरुआत अगर मुझे करनी है तो मैं यहाँ जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि जो भी आगे होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो चलते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है, ब्रिज के नीचे से आपने राइट लिया तो आपको सीधे सीधे जाना है ब्रजेश्वरी रोड पे। वहाँ से आपका रास्ता सीधा सीधा है। मैंने आपकी जानकारी के लिए लेफ़्ट में जो बोर्ड है वो दिखाया है, इसको फॉलो करें और सीधा सीधा ब्रजेश्वरी रोड से चलना शुरू करें। थोड़ा सा ट्रैफिक था क्योंकि वीकेंड था, अदरवाइज ये रोड खाली होता है। रास्ते में आपको बहुत सारे नज़ारे ऐसे देखने मिलेंगे जिनको देखने के लिए हम हिल स्टेशन जाते हैं। पूरा जो है ये मंदिर नेचर के बीच में स्थापित है, तो जब आप जाएंगे रास्ते में भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने मिलेगा। और जब मंदिर में आप पहुंचते हैं वहाँ का तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर में भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आपको एक पास में बाल्टी रखी होगी, उस बाल्टी को लेके जाके आप कुएं का पानी वहां पर भर सकते हैं। यहाँ पे एक नल है जहाँ पे 24/7 पानी आता रहता है। ये कुएं का पानी होता है, शुद्ध होता है। उस पानी को लेकर आप लेके जाकर भगवान पर जल चढ़ा सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे भंडारा करना चाहते हैं, जैसे कि किसी ने कोई मन्नत मांगी है और उनकी मन्नत पूरी होती है या वो चाहते हैं, तो यहाँ पे भंडारा किया जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, वो है अपना ओरिजिनल मंदिर। वहाँ पे अगर हवन वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। देख रहे हैं कोई नहीं है, एक दो, क्योंकि जिनको इस मंदिर के बारे में पता है वो आते हैं। तो बाबा का आशीर्वाद लेकर हम लोग अभी अपने घर के लिए फिर से रवाना हो गए। तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो भी विज़िट करते हैं ये मंदिर आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला, क्या वाइब्स मिले। और मैं मतलब जो भी वसई विरार में रह रहे मैं उनको बोलूँगी वो ज़रूर जाएं इस मंदिर में, जाएं प्रे करें और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।